आपको पता है कि पूरी कंट्री में हम आज फायर सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन पे हम उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट मुंबई में मुंबई डॉक में हुआ था 14 अप्रैल 1944 को। तो उसमें जो है वो शिप में आग लगी थी और उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे जिनके चलते वहाँ पे बहुत बड़े धमाके हुए और उन धमाकों के भीतर हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की। लेकिन एक्सप्लोजन्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान उनकी जानें चली गई और जो काफ़ी सारे अफराद हैं सिविलियंस हैं फायर फाइटर्स हैं तो वो इंजर्ड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन को बाद में मुंबई डॉक एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आज का दिन जो है ये फायर सर्विस डे है और जो SFAC है उसने फिर इस डे को एक्सटेंड करके इसको नेशनल फायर सर्विस वीक में एक तब्दील किया जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अब एक दिन नहीं चलती वो पूरा एक हफ्ता चलती है। तो हमारा एक पूरा शेड्यूल होता है हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जो हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर है तो उनकी डायरेक्शंस पे जो आज से ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। आज जैसे हमारी कॉमेमोरेशन परेड्स थी अभी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग या रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा कल हमारे मेडिकल कैंप से जहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप होगा फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं। उसके बाद फ्लैग मार्च ऑफ व्हीकल्स हमने प्लान किया हुआ है हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की है। तो उसके बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम्स और बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर अरेंज किए हैं। तो ये पूरा हफ्ता 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यहाँ पे हो जाएगा और इस साल का जो थीम है एनश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। अगर चूँकि फायर फाइटर जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़ करते हैं वो जो भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स है इंडस्ट्रीज़ है उनके बिज़नेस को सेफली ऑपरेट करने में मदद करते हैं जिससे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है वो हो जाती है। जी